अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हिनाज किचन। मैं हूँ हिना। आज हम बना रहे हैं एक चाइनीज़ रेसिपी, ऑरेंज चिली चिकन। उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हाफ के जी क्यूब्स में इसे किसे कट कर लें। मैंने मीडियम साइज़ के क्यूब्स कट किए हैं, आप जैसे भी करना चाहें, स्मॉल या बिग आप कर सकते हैं। हॉट सॉस हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, सोया सॉस चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए, नमक हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 अदद। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे चिकन को मैरिनेशन करने के लिए। एक एग ले लेते हैं और उसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास मेरी तरह टाइम कम है तो आप आधे घंटे के बाद भी इसे कुक कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करें क्योंकि जो सोया सॉस है उसमें काफ़ी नमक है। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं सोया सॉस। इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे हॉट सॉस और सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम चिकन में शामिल कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस मिक्सचर को डाल लेते हैं चिकन में और इसे मैरिनेट करके रखेंगे हम मैक्सिमम आधे घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है और अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म है कि नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है। एक एक करके हम चिकन पीसेस को डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। एक साथ हम सारे चिकन को नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो हमारा ऑयल जो है वो फ़ौरन से ठंडा हो जाएगा। तो जितने हमारे इस टर्न में जाएंगे हम उतने ही डालेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टर्न में फ्राई कर लेंगे। तो मैं घी में फ्राई कर रही हूँ इसलिए वो गर्म है बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सॉरी। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। आपको अच्छे से नज़र नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत से बबल्स हैं घी के ऊपर। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इससे कैसे गोल्डन कलर में ये अच्छे से कुक हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। जो बाकी के हमारे रह गए हैं हम उसे नेक्स्ट टर्न में फ्राई कर लेते हैं। चिकन पीसेस जो बच गए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं और इनको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ऑरेंज सॉस की, और हम ऑरेंज सॉस तैयार कर लेंगे। ऑरेंज सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज जूस 1 कप, फ्रेश ऑरेंज जूस हमें चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, चिली गार्लिक पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, सोया सॉस चाहिए 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, 1 अदद ऑरेंज चाहिए स्लाइस्ड, ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, तिल का ऑयल हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, ऑरेंज जिस्ट चाहिए हमें ऑरेंज का स्किन 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, ब्लैक पेपर हमें चाहिए 1 टीस्पून, तिल 2 टीस्पून। ऑरेंज जूस में हम शामिल कर लेंगे सोया सॉस, हॉट सॉस, मैं पहले से ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख रही हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ब्राउन शुगर हम शामिल कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं चिली गार्लिक पेस्ट। चिली गार्लिक सॉस नहीं लेना हमें, पेस्ट लेना है। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट हम शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 to 2 पिंचेस हम सॉल्ट शामिल कर लेते हैं।
सोल्ट को हम कम मिकदार में रखेंगे क्योंकि इसमें हमने सोया सॉस बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए हम सोल्ट की मिकदार कम रखेंगे। बाकी क्या बचा हुआ जो चिकन हमने फ्राई करने के लिए रख दिया था, अब वो फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसे हल्का सा भून लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप तिल के ऑयल में ही स्टार्ट से कुक कर सकते हैं। मैं इसमें ऑलिव ऑयल और तिल का ऑयल दोनों मिक्स कर रही हूँ। अब तिल का ऑयल हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इसी में ही ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाकर आप इसे कुक कर सकते हैं। अदरक लहसुन भुन चुका है, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं ऑरेंज सॉस का जो हमने मिक्सर रेडी किया था, इसको भी हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज जीस्ट, ऑरेंज की जो स्किन है उसे पील ऑफ करके हम इसमें शामिल कर लेंगे। इससे ऑरेंज चिली चिकन का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा क्योंकि एक एक तो ऑरेंज जूस है इसमें और एक ऑरेंज जीस्ट शामिल कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा ऑरेंज का फ्लेवर आएगा। इसे कर लेते हैं मिक्स और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन पीसेस जो हमने फ्राई कर लिए थे, इसी तरीके से हम इसमें शामिल कर लेंगे और इन्हें हम करेंगे मिक्स। लाइट से हम इसे भून लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप पानी ताकि जो चिकन का फ्लेवर है, ऑरेंज का फ्लेवर चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं चिकन को ऑरेंज सॉस में कुक होते हुए, अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून वाटर, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऑरेंज सॉस में थिकनेस ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी कॉर्नफ्लावर की और कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं जी, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए ग्रीन अनियंस, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है इससे। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे तिल, ऑरेंज चिली चिकन रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं स्टफ फ्राइड राइस के साथ या फिर आप कर सकते हैं इसे स्टफ नूडल्स के साथ। मैं नूडल्स के साथ कर रही हूँ। इसे सर्व कर लेते हैं प्लेटर में। ऑरेंज चिली चिकन रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।